तलब बात है और मजलिस 15 मिनट पढ़ी नहीं जा सकती, दिक्कत है जरा। बहरहाल भाई, हम तो इसीलिए अपनी मस्जिद में एक ही टाइम रखे हुए, जाड़ा गर्मी बरसात 1 बजे, अल्लाह एक टाइम है, सलावत है जी आबा, एक ही टाइम है वो, चाहे कोई आए हो चाहे 2000 आ जाए 5000 आ जाए, कोई अदान वही दिक्कत है थोड़ी सी। बहरहाल बुलाने वाले ने बुलाया है, खाली हमें देखने के लिए तो ना बुलाया, वैसे फोटो उस पर भी आ जा देख लेते, तो उसने जो बुलाया है उसका कोई मकसद है।
मोमिनीन का मजमा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। इस मरहूम के ईसाल सवाब की मजलिस अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। जिन लोगों ने मजलिस का इनाकात किया अल्लाह उनकी रोजी कारोबार में दरकतें रखें, और जितने मोमिन शाह रहे हैं सब शाद और आबाद हैं। सूरह मुल्क 29वां पारा शुरू की दो आयतें, इरशाद रब्बुल इज्जत होता है। ये सूरह मुल्क जो है वो अजाब कब्र से महफूज रखने का जरिया है। रात में पढ़ने वाला जब सूरह मुल्क शह के बाद पढ़ के सोता है तो बकौल मासूम वो हिफ्ज़ो अमान में रहता है। इरशाद हो रहा है कि तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अहले नज़र माशाल्लाह है, बाबरकत है वो जात कि जिसके कब्ज़े कुदरत में कायनात की हुकूमत है। कायनात कहा है ये बात ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत है या पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान, कायनात की। चलाने वाला एक है, ना कोई साथी है ना संघाती, ना कोई मुशव्विर है ना कोई मुशीर, ना कोई सलाहकार ना कोई एडवाइजर, ना कोई काबीना ना कोई मंत्रिमंडल, कुछ नहीं है, हुकूमत चल रही। कलमदान बटे हुए नहीं है, वो अकेला है, इशारा किया नहीं जा सकता कि वहां है, ये कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ है। आंखों में आ जाए तो महदूद हो जाएगा, फिर खुदा ना रह जाएगा। दिमाग में तस्वीर बन जाए तो मखलूक रहेगा, खालिक ना रहेगा। हम ये कह सकते नहीं है कि वो ऐसा है या वैसा है, कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ है। सलामत अल्लाह का मामला, आप ये गौर कीजिए, कोई साथी नहीं है, कोई आवाज नहीं दे रहा है। आपने देखा होगा, आपको शायद ही आप, खैर दौर बदल गया है, पहले फरमान अली साहब की दुनिया चलती थी, याद होगा आपको, जिसने पढ़ी होगी उसकी बात है, नहीं पढ़ी कोई बहस नहीं, कोई बहस थोड़ी ना मिली आपसे, सलाह दे दिया उसमें, यही नहीं वो यही लिखा है कि उस एक अकेले ने बनाने वाला, जिसका जो नदीर बेनदीर, जिसका ना कोई मुशीर वो बेनदीर है, अल्लाह पूरी कायनात को इतने नज्म से चला रहा है। आदमी जरा गौर करे, आदमी एक परिवार चलाने में धक्के खाने लगता है, एक मुल्क चलाने में दावे इतने बड़े बड़े हैं, रोटी पहुंच नहीं पा रही है, बट जरूर रहा है, एडवर्टाइज हो रहा है, हुकूमत जनाब बेचैन है, लेकिन वो चलाने वाला की शान से चला रहा है। वक्त आया ना आपको ज्यादा जहमत दी ना कुछ दिया, अपने आप मौसम बदलता रहा, अच्छे खासे कुछ नहीं ओढ़ते थे, आवाज से चादर महसूस हो रही है। किसने बताया ये? उसकी सेटिंग इतनी लाजवाब है, बंदे नाफरमानी करते हैं, सैयारे सही नाफरमानी नहीं करते। जवाब जनाब पहुंचाने वाले को, और कुदरत का आलम यह है कि पत्थर के अंदर रहने वाले, और वो पत्थर भी कहां, जो दरिया के बिल्कुल निचले स्तर पे, उसके अंदर रहने वाले कीड़े को पहुंचा रहा है। हाँ, ये आप गौर फरमाइएगा, हर एक को पहचान, हर एक को पहुंचा रहा है, बेहतरीन तरीके से हुकूमत चल रही। अब आप ये कह दे, हो सकता कोई हमारा नौजवान कह दे, हमारा भाई कह दे कि मौलाना साहब आप तो पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कितने लोग भूखे मरे जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं वरिष्ठ पहुंचा रहे। ए भैया, ये चोटे लोगों की वजह से लोग भूखे मरे जा रहे हैं, अगर हक अदा कर दे तो कोई भूखा ना मरेगा। सलावत दे दिया भाई, उसकी वजह से मर, उसने किसी का रिस्क कम नहीं रखा है, आप याद है, उसकी तरफ से रिस्क की कोई कमी नहीं है, उसने वैसे जैसा जमाना बदला, हालात बदले,
हम भी जानते हैं, हमें बहुत जाहिर सी बात, मैं किसान नहीं हूं तो जानता खूब हूं। सलावत दे दिया बाबा। याद रखिएगा, जमाना बदला, हालात बदले, आबादियां बदली, यूं कहा दुनिया में आबादी बढ़ गई, उसने वैसे इंतजाम फरमा दिया। पहले सिर्फ साल में दो फसलें होती थी, आज जब दिल चाहता आदमी हर फसल उगा लेता है। अगर इंतजाम नहीं तो हो गए, और फिर अगर उसकी तरफ से इंतजाम की कमी होती तो गेहूं का दाना वो एक और बाली में 70 दाने क्यों रखे होंगे, एक में एक ही होना चाहिए था। नहीं, उसका वादा लाजवाब है। वही इस बात को यूं महसूस कीजिए, हजरत बौलाए मुत्तकियार अली इब्न अबी तालिब बहुत ही माजरत के दादा की बात, बहुत बातें सच्ची होती है, जो मेरी मजलिस सुनने के आती है उनको पता है, उसमें मैं रियाज व्याद कायल हूँ नहीं। हाँ, मैं शख्सियत से कभी अल्लाह का शुक्र आज तक महरूम नहीं हुआ, चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए। ये मौला ने क्या फरमाया कि जब ये देखना कि हुकूक लोगों के मारे गए हैं तो समझ लेना कहीं दाहिने बाएं हुकूक को दबाए हुए कोई बैठा हुआ होगा। अल्लाह की तरफ से कोई कमी नहीं, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, हम लोगों ने लोगों के हक मार दिए हैं। अगर हक सही अदा हो जाते तो इस दुनिया में कोई भूखा ना होता। उसकी तरफ से इंतजाम लाजवाब है, ये रिस्क भी लाजवाब होता, बेहतरीन जनाब तखलीक भी करो। आप गौर कीजिए, खुद आप अपने ऊपर गौर कीजिए, मैं क्या लाजवाब बनाया है। ओफो, कयामत है कयामत। या समझ लीजिएगा, जो कुछ उसने इंसान बना दिया, तमाम चीजें बना, इससे कोई बहस नहीं है, लेकिन सिर्फ और आप इंसान को देखिए, मैं क्या लाजवाब बनाया। कहीं ऐसा भी होता है, इसमें कोई आर्किटेक्ट भी बैठा होगा, कोई नक्श नवीज भी बैठा होगा, कोई खाका नवीज भी बैठा होगा, कोई चित्रकार भी बैठा होगा, कोई पेंटर भी बैठा होगा, लेकिन वो कितना लाजवाब है, दो कतरे आबी और उस दो कतरे आबी पर दस्ते कुदरत का चलना, चलने के साथ इंसान की तखलीक हो जाना। अब आप ये देखिएगा कितनी बड़ी बात है, अगर इसके ऊपर बढ़ा जाएगा बहुत टाइम जाइए। मैं इस चांद से जनाब, अल्लाह हू अकबर, मेरे खुदा तेरी कितनी तारीफ की जाए, मैं बनाने पे आया, इतना लाजवाब बनाया। आप किसी को अपने घर में मकान बनवाना हो, ले आइए जाके किसी दक्ष नवीस को और ला के उसे कमरे में बंद कर दीजिए। क्या मैंने सुना बहुत जबरदस्त आर्किटेक्ट है, हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं मकान, एक नक्शा बना दूंगा, लाइट तो जलाइए, कमरा तो खोलिए। मैं कहने लगे फिर आप कारीगर का है के? हाँ, तो आपको तो मैं कहूंगा नहीं, मैं अपने को कहूंगा। वो कहेगा मौलाना ये मजलिस नहीं है, ये तस्वीर है, सलावत दिया बाबा, तस्वीर है, तस्वीर बनाने के लिए। माँ के शिकम में किसने रोशनी की, किसने चिराग जलाया। वाह, बच्चा सो रहा है, अल्लाह उस बच्चे को परवान चढ़ा रहा है। और मालूम ये होता है कि जैसे ब्यूटी पार्लर खुला हुआ हो। ओहो, बनाने वाले ने आईब्रो बनाए, इतना सा चेहरा देखिएगा, गौर कीजिएगा। किसी के घर में दो तीन दिन का बच्चा हो तो उसमें गौर कीजिएगा, बहुत बड़ी बात है कि शाम दे हमारा छोटी मुन्नी मुन्नी आईब्रो बनी हुई है, छोटी से जनाब हो, मालूम है गुलाब की पंखुड़ियां लगी हुई। आरिस जनी रुखसार जिसे आप कहे, कितने लाजवाब बना है, एक छोटी सी मुन्नी सी आंख, हम इतनी सी आंख में मरकज नूर का जगा दे। उसके फरमाइए एक छोटी, इतनी नन्ही सी उंगली, उसमें मुन्ना सा नाखून लगा हुआ, ये देखिए छोटा था वहां भी लगा, अल्लाह अकबर। अब ये बताओ किसने बताया, अल्लाह 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 किसने। और दहन इतना मुलायम भाई, भुट्टा तो तुम्हें जमाना नहीं था, चने तो तुम्हें खाने नहीं थे, दांत थे नहीं, मैं क्या कहना मेरे खुदा, तेरी जिंदगी मेरी गुजर जाएगी, तेरी एक नेमत का शुक्रिया नहीं अदा मर जाऊंगा मगर तेरी शान से। उसने अल्लाह जैसा नन्ना सा पंबा दहन, पंबा कहते हैं रुई को,
समझ रहे, बिल्कुल रुई की गाले की तरह दहन, जहां से मरकज रिस रखा उसको भी बहुत ही जनाब आहिस्ता और बहुत ही जनाब सुकून का बनाया, ताकि मेरे बंदे की परवरिश अच्छी हो जाए। फिर दिल में मोहब्बत भी डाली, ये भी याद रखिएगा, अगर वालिदैन के दिल में मोहब्बत ना डाली होती तो जानवरों से बदतर हम लोगों की हालत होती, ये याद रखिएगा। जानवर के बच्चे 3-4 दिन के बाद पीछे पीछे चलने लगते, हमें तो महीनों लग जाते, हम तो डकार भी लेते हैं, तो अम्मा शिकम शेर कराने के बाद यहाँ पर लगा 3 थपकियां मारती हैं तब तो डकार आती है। सलावात भेजिया इतने कमजोर हो, बातें इतनी बड़ी बड़ी बनाइयों कर दूंगा है, ये है कुछ नहीं, औकात अपनी पहचानो, कुछ भी नहीं और धुआं हो, कुछ भी नहीं तुम्हारी ताकत है, मैंने तो तुम्हारे सामने जल्दी दर्द कर दिया, कुछ नहीं है तुम्हारा, अगर तुम बिल्कुल बेकार हो। अब ये उसका करम है कि जमीन पहले बिछा दी और जमीन पे तुम्हारे ऊपर एहसान किया, ना इतना दलदल बनाया कि तुम्हारे पैर धंस जाए, और ना इतना पत्थर बनाया कि तुम पानी भी ना निकाल पाओ। या बारिश की तो उसने इतनी बड़ी नहीं, चाहता तो घड़े उलट देता, तुम्हारा तुम्हारी गर्दन की हड्डियां टूट जाती है, आता नहीं कभी कयामत से पहले आज फिर बादल फट गया, नहीं नहीं जैसी जरूरत, इतनी मुनी फापा गिर रहा है, किसान कह रहा है कि सोना बरस रहा है, जैसी जरूरत वैसा इंतजाम है उस अल्लाह का। उसके बाद माँ बाप के दिल में मोहब्बत रखती, मोहब्बत ना रखती तो मियाँ पल ना पाते, ये समझ लो। इसलिए जनाब लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, बेटा हर हाल में अल्लाह को राजी समझना, हर हाल में अल्लाह को राजी समझना, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं थे शिकम मादर में उसने रिस्क पहुंचाया, दुनिया में आ गए बहुत छोटे थे माँ के जरिए से रिस्क पहुंचाया, उसके बाद जब तुम बड़े हो गए तो वालिदैन के दिल में मोहब्बत डाली, उसके बाद जवान हो गए, 60 बरस का बूढ़ा बाप कमाता है, 25 साल के जवान बच्चे को खिलाता है। सलावात भेजिया बाबा, सलावात भेजिया बाबा, बेहतरीन बनाया, लाजवाब बनाया, और के बाद कह रहा तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल-मुल्क। लेकिन नाराज नहीं होता है यहाँ तो, अगर माफ फरमाना मुझे ज्यादा मालूमात तो रहती नहीं, क्योंकि मैं अपने बारे में ज्यादा मालूमात रखता हूँ, आप गौर फरमाइए, दूसरे के बारे में झंझट से क्या फायदा है, दूसरे के बारे में झंझट, आप गौर फरमाइएगा, वो यहाँ तो मैं उन्हीं का इसमें सलाम करना भूल गए, इसी का अफसोस है, अमा किया नहीं किया तो उनका है परेशान हो, है नहीं, अमा करता तो 69 पाता, अब उसके मुकद्दर में नहीं होता, 69 नहीं किया तो क्या करोगे, सलाम नहीं करते बड़े मगरूर हो गए, अमा तुम इसी उधड़ बेउन में लगे हुए हो, ना कोई करे ना, वो नहीं नाराज, यहाँ खाली सलाम करना भूल जाइए तो नाराज हो जाते हैं, और ऐसे नाराज होते जैसे मांस के दाल का आटा नहीं होता, ऐड गए तो फिर ऐड गए सीधे नहीं। मगर वो खुदा कितना करीम है मेरे आदिदो, उसने जनाब मूसा को हेतूर की तरफ चले जा रहे, एक यूं कहा जाए बुजुर्ग है, बूढ़ा है, ना फरमान खुदा है, क्या कह रहा मूसा कहां जा रहे, वहीं जा रहे हो गए, क्या कह रहा तुम तो वहीं जा रहे हो गए अपने खुदा के पास, शरीफ आदमी बदतमीजों को मुनी लगता है, सलावात भेजिया बाबा, याद रखिएगा। मूसा ने गौर से देखा, कहा मैं जा रहे होगे, कहा भाई जा रहा हूं, अब देखिए हाँ भाई मुझे बार बात बात कुछ है नहीं, कह देना खुदा से मैं खुदा नहीं मानता, कह देना मैं उसका रिश्ता नहीं चाहता। जनाब मूसा ने देखा तो बड़े गौर से, हमारा क्या बदतमीजी किया, उस कहा कुछ नहीं, निकाल पहले मैंने कह दिया था। जनाब मूसा उसे देखते रहे, कह देना जा रहा हूं मैं खुदा नहीं मानता हूं उसे और ना रिस्क खाऊंगा। जनाब मूसा गए, जो कुछ भी गुफ्तगू होती हो भाई जाहिर थी वो आप जानते हैं। उसके बाद जब चलने लगे तो परवरदिगार आलम की आवाज आई, मूसा तुमने उसके बारे में कुछ ना कहा, कुदरत कह रही है कि तुमने उसके बारे में कहा, परवरदिगार आलम तू हमसे बेहतर जानता है उसने क्या कहा, तू आलिमुल गैब है, मैं क्या कहूं, मैं नहीं दोहराऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कमूसा उससे कह देना तुम खुदा मानो या न मानो, मैं बंदा जरूर मानता हूं,
मैं तुम्हें बंदगी से नहीं हटाऊंगा। और रही बात रिस्क की, अगर मैंने रिस्क ना दिया तो फिर तुम्हें रिस्क देगा कौन? सलावाद है दिया बाबा, हम रिस्क तो जाते रहे। अब ये बिना अकड़ जाना, हम नमाज पढ़ते नहीं, रोजा रखते नहीं, किसी मौलवी की बात मानते नहीं है, हम तो ताना शाह हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ। अम्मा उसने तो फिर उनको बादशाह बना, तुम क्या हो? सलावाद है दिया बाबा। यह है उसका करम, मेरे बंदे तू हमें सजदा कर या ना कर, तेरे सजदों से मेरी खुदाई में कोई इजाफा नहीं। मैं कल भी खुदा था, मैं आज भी खुदा हूं, मैं उस वक्त भी खुदा रहूंगा कि जब दुनिया की अल्लाह में मजलिसी ने अपनी किताब हक़ुल यकीन में लिखा हो। अल्लाह क्या कहने मेरे अजीजों, कोई नहीं होगा लेकिन उसकी खुदाई ले मनिल मुल्क अल्यौम, आज किसकी हुकूमत है? आवाज है लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, उस अल्लाह की हुकूमत है जो अकेला है कहर कहार है जरूर, कहर करता नहीं, जब्बार है जरूर, जबर करता नहीं। अगर जबर पे आ जाए तो भैया बुरा ना मानना, बहुत ही माजरत के साथ, अगर जबर पे आ जाए ना तो भैया जी सुबह में मस्जिदें खाली नहीं रहेंगी। एक आदमी अगर उसको कुछ कर रहा थोड़ी ना बहुत ज्यादा, ना 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 उसे कुछ नहीं करना है, उसे तो खाली तुम्हारे नमाज का टाइम यानी 5:30 आज का, वो 5:25 जमीन को यूं हिला दे, खाली यूं करना फिर करना वरना नहीं है, सारे मस्जिद में ना नजर आओ तब की बात है, सलावात भेजी आवा है ये बात। लेकिन उसने जबर नहीं किया, अगर जबर से लाए तो फिर फायदा क्या होगा? अगर तुम्हारी समझ में आए, हम खाली एक आदमी तुम्हारे साथ मसलन में कानपुर में आया, पहले मस्जिद कभी नहीं पढ़ी हूं, कभी आपने वादा करा दिया कि मौलाना यहां भी पढ़ जाना मस्जिद, हम चले गए। अब जब जब मुलाकात हो रही है, कहीं भी मिल रहे हैं, चाहे पुटकापुर आए, चाहे ग्वाल टोली आए, करनैलगंज आए, मैं लोगों ने कहा उनकी आप बड़ी इज्जत करते हैं कि जब जब मिलते हैं, हाँ तुम हक मेंबर पर दोनों हाथ हिलाया कर। मैंने कहा ये हमारे मोहसिन है, क्योंकि इन्होंने लखनऊ में हमें कानपुर में आशना कराया, लोगों से हमें मजलिसें दिलाई हैं, हमारे एक आदमी मजलिस दिला दे तो लायक है शुक्रिया, जो खुदरा इतने जमाने से एहसान कर रहा है, क्या वो लायक है शुक्रिया नहीं है? सलावात भेजिया बाबा, सलावात भेजिया बाबा। कब से शान करता चला रहा, कहां कहां से रास्ते उसने बना दिए। औकात नहीं भैया, मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, बहुत कुछ उसने दिया। हमारी हैसियत नहीं है कि हम शुक्रिया उसका अदा कर, जो जो मांगा जब जब मांगा हर जगह, अगर नहीं दिया तो इसमें मसले समझना उसकी। हाँ ये याद रखना, क्योंकि तुम्हारी डिमांड कुछ है और वो तुम्हारा माली भी जानता है, मुस्तकबिल भी जानता है, हाल भी जानता है, जिस दिन चाहेगा लाजवाब बना देगा। सलावात है दिया बाबा, इतना चाहने वाला खुदा। ओफो माँ बाप क्या चाहेंगे जितना अल्लाह अपने बंदे को। माँ तो ना कहते नहीं, दो लोग बड़े मशहूर हैं कि बहुत जाने, माँ माँ की विशाल है। लोग कहते हैं माँ मानता की मूरत होती, बेशक मैं भी जानता है, इस बात से इनकार नहीं किया है, माँ बहुत चाहती है ये बिल्कुल तय है, लेकिन जब डिमांड बढ़ जाती है तो माँ भी तमाचा मार देती है। जब डिमांड बढ़ जाएगी, रात का समय हो और उसके बाद ये जाड़ा हो, हिंदी आ जाए तो मजबूरी है क्योंकि मैं हिंदी बहुत पढ़ाता हूँ, सलावात है जी आवाज़ा, उर्दू अरबी फारसी पढ़ाते ही पढ़ाता हूं, अब रात का वक्त हो और ये जाड़े के दिन हो और उसके बाद बच्चे की कुनमुनाहट हो, अब रोना शुरू किया, अब्बा हुजूर तो हिलेंगे भी नहीं, और क्या उनके सर पे सुरखाब के पर जो लगे हुए हैं वो कहां हिल जाएंगे? माफ कीजिएगा, बहुत ही माजरत के साथ, वो कैसे हिल जाएंगे? अब्बा है वो मानता की मूरत है। क्या बात भैया, आपने हमको शीशी नहीं पिलाई थी, अब आप बात आइए,
ममता कह रही है लिहाफ छोड़ दो, ठंडक कह रही बाहर निकलना नहीं। एक मर्तबा जनाब ममता जो है जज्बात जो है उस पर खाली बात बाहर गई, ले गई पिला दी। एक घंटे बाद फिर कौन मनाओ, अब क्या बात भैया पानी पिएंगे पिहा, फिर बिचारी दौड़ के गई। फिर अभी फिर बिचारी की आंख झपकी, फिर क्या बात बिस्कुट तो खिलाया नहीं, जैसे ही डिमांड बड़ी मुंह में ताड़ से मारा गया, शर्म नहीं आती, ना खुद सोता है ना सोने देता। यह है मां जो दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती है। जारी खाली डिमांड बढ़ गई तो मां ने मार दिया, उसके पास चाहे जितनी डिमांड ले जाओ। वो कहता है हमारी बारगाह में ना मांगना ऐब है। मांगते हमसे मांगो कहां जाओ, कहा जाएगा मेरा बंदा, इसका तो कोई पूछने वाला भी नहीं, किसके दरवाजे पे जाएगा, अगर जाएगा भी तो कौन कब तक देगा, कहां तक देगा। जब माँ बाप आजीज हो जाते हैं तुझे शर्म नहीं आती, 25 साल का हो गया है मैंने तुझे बीटेक करा दिया है, कहीं कोशिश नहीं करता, घर बैठा रहता। हम जब माँ बाप को औलाद भारू हो जाती है तो मेरे बंदे कहीं ना जाना, मेरे पास आ जाना। जब दुनिया वाले अब तुम्हारे दामन से मुंह फेर ले तो ही वादा करे ना वर, तुम्हारा खुदा तुमसे वादा किए हुए मेरे बंदे आके मैं तुझे खाली नहीं लौटाऊंगा। हमने शद्दाद को दे दिया, नमरूद को दे दिया, फिरौन को दे दिया, तू तो मेरा कलमा पढ़ रहा है, सलावत भेजे या बाबा। यह है खुदा, या अली जिंदाबाद, परवान चढ़ाया अल्लाह अकबर। क्या कहना उस खुदा वहदहु ला शरीक, उसकी बारगाह में हाजिर रहो, उसने लाजवाब अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो अल्लाह वो है जिसने मौत और हयात को पैदा किया। वजह बताई लामला में इल्लत लगा, ले यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि जांचा जाए परखा जाए कि तुम में से अमल किसका अच्छा। मौत यूं नहीं है कि डॉक्टर कहते थे एज फैक्टर है, अब तो मरना ही था, अब आजकल ये तो बहुत होता है, अरे उम्र ज्यादा, मत 55 साल की कोई उम्र हुई, सलावत भेजिया बता, अभी उसने देखा ही क्या है, है? अरे बच्चे आजकल का जो हमारा यंग ब्लड है, हमारा नौ युवक है, वो ये बहुत कहता, अरे अब्बा की उम्र तो ज्यादा थी, हमने कितनी थी, हमारे 55 साल की कोई उम्र है, हम 80 साल की बात करो तो समझ में आए है, और कहिए कि 75-80 साल, ना ना मौत का मकसद है कोई बेमकसद नहीं। अब सवाल ये होता है कि इतनी अच्छी अल्लाह आपको हमें बनाने के बाद कह रहा है, क्या कह रहा है, लकद खलकनल इंसाना फी अहसने तकवीम, हमने इंसान को बेहतरीन नहज पर पैदा किया, तबारक अल्लज़ी है, उसके बाद ये क्या कह रहा है अल्लाह कि मैंने इंसान को पैदा करने के बाद खुद अपनी तारीफ का अहसनुल खालिकीन, बेहतरीन पैदा करने वाला है, मलाइका से सजदा करा दिया, अल्लाह मलाइका से सजदा करा दिया। चुप्पे चुप्पे आप सलवार भेजते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा, चाहे मनन कर लीजिए, अपने दिल ही में पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है, सवाब है बहुत ज्यादा, सवाब है सलवात का।
अल्लाह का नाम बड़ा है, हमारी आवाज़ छोटी है, ना हमारे कलाम में कोई दम है, इसलिए अल्लाह के कलाम का एहतराम ज़रूरी है। तो अल्लाह ने हमें और आपको इतनी जनाब नेमतों से नवाजा, इतना अच्छा इंसान। सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी आर्किटेक्ट हो, मुसव्विर हो, कारीगर हो, फनकार हो, अपनी फनकारी का वो नमूना हमेशा कलेजे से लगा कर। किसी जमाने में आप लाजवाब जनाबियों का आ जाए, बेहतरीन पेंटर थे, अब तो दौर ही खत्म हो गया सब। पहले तो आदमी बैठता था, तस्वीर बनती चली जा रही। पहले इंटर में प्रैक्टिकल जब होता था बाकायदा तौर पर यूं रख दी, उसके बाद लड़कों को जो चित्रकला लिए रहते थे उनको चारों तरफ से बैठा गई कि ये टब रखा है, ये बाल्टी है, ये मग है, जिस जाविये से आपको नजर आ रही आप बना दीजिए, तो दौर खत्म हो गया। मैंने बेहतरीन बनाया और फोटो कलेजे से लगाए रखे। क्या बात है भाई, आप फोटो क्यों रखे? कहा मौलाना साहब ये बेहतरीन हमारी जिंदगी की लाजवाब तस्वीर है। जब हमारे पास फन था, आंखें थी, उंगलियां काम करती थी, दिमाग काम कर, मामा ने कहा 40 बरस पुरानी तस्वीर फेंको, का दिमाग खराब है मौली साहब। अगर काश के तुम कोई कारीगर होते तो कदर करते। तो अल्लाह मब एक बंदा अपनी मसनू को बर्बाद होते नहीं देख सकता, तो अल्लाह मौत दे के बंदे को कैसे बर्बाद कर देगा? मौत के बाद कहीं ना कहीं पर फायदा है, ये आप समझ लीजिएगा, वरना इतना अच्छा इंसान हैयद है, हयूला है, सब कुछ दिया है, लाजवाब चेहरा दिया है, खूबसूरती दी है, और उसके अंदर इतने अच्छे बंदे को जमीन में तुबुआ दे, क्या बात है। अब सवाल यह है कि ये मौत कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदे बख्श है। बहुत ही माजरत के साथ अपने मजमे से, देखिए ये हमारी ख्वाहिश है, माफ कीजिएगा, बहुत ही हम चाहते हैं उम्र बड़ी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए। हाँ यह समझ लीजिएगा, मरने को भैया कोई तैयार व्यार नहीं होता, बुरा ना मानना। हाँ हाँ, अगर डॉक्टर कह देंगे इतनी सी फांस लग जाएगी तो मर खड़ा, दम निकला जा रहा है, ये 1.5 फुट का है, ऑपरेशन करा लेता है, क्यों क्यों कराता है? जान बची जाए और इसके अलावा कोई मकसद है? और क्या मकसद है भाई? जिंदा रहे। उन्होंने कहा आईसीयू सलामत है, क्या कहना, मैं खूब नाम रखा। आइए तो रख रहे हैं, आइए ये जी सलाम लगा दिया मुंह पर ठगना उसने मुंह दूर से रखा, जाइएगा नहीं, दूर से देखिए, और पैसे वसूल ला लाते रहिए, भेजते रहिए आप, ये आपका भाई अटका हुआ है भाई, क्योंकि जो भी हो। अच्छा बेचारा आदमी सोचता जितनी सांसें मिल जाए है, जितना हो जाए, मगर अब और फरमाओ मेरे अवीजों, अल्लाह अकबर, हम अगर मौत कोई बुरी चीज होती तो अल्लाह अंबिया को मौत ना देता, ये आप समझ लीजिएगा। हाँ अंबिया काम कर रहे थे, हम लोग धरती का बोझ है, सलावत दे दिया आप, हम लोग वहां कौन से बड़े काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, बुरा ना मानिए कि बहुत ही मान, क्या कर रहे हैं आप, कौन सा ऐसा काम है? अंबिया काम कर रहे थे, पत्थर गा रहे थे, इमाम काम कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे हैं? फिर भी मौत का बड़ा है, जिंदगी का बड़ा शौक। और जब इंसान और की रट लगा लेता है तो अल्लाह कहता है आने पे करो गौर, सलावत भेजिए भैया, बहुत दिन हो गए, ज्यादा झंझट में पड़ो नहीं, ये दुनिया है दलदल, यहाँ फंस जाओगे निकलना मुश्किल हो जाएगा, जितनी ज्यादा दिन, भाई जाहिर सी बात है शहर का रहने वाला गांव चला जाए जहां दिन भर में एक मोटरसाइकिल की आवाज आती है, माँ कहेगा भैया छूटे किसी सूरत से कहाँ भेज दिया गया, या गांव का आने वाला जो रहता हो उसके पास, वो यहाँ आपने बेहतरीन अपने वालिद के लिए वो फ्लैट, हाँ तो छतें भी बिक रही है, जमीन बिक रही, तब बिक ही रहा है, अब क्या बचेगा, ले जाने सलावत है जी आप।
और ला के छीके पे पिताजी को लगा दिया। और सारी सहूलतें आपने दी, अच्छे बेटे हैं ये समझ लीजिए, आपने सारी सहूलतें दी जितनी भी है हर सारी सहूलत। अब आप दिन शाम में लौट के आए, बाबा क्या बात है, बहुत परेशान। अरे भैया ये क्या छीके पे लटकाया, मैं हटो भाई तुम भेजो हमारे घर, वहां कम से कम तो सलाम करने वाले तुम है, खैरियत पूछने वाला है। लोग निकलते, भैया बंदगी, बाबू सलाम, यहाँ तो होते सब ला कलाम सलामत भैया, ये क्या सलाम करेंगे हम। हर गांव वाले हम जाते, हम कहते जल्दी मकान जमीन बेचना जना नहीं, वहां सब आदमी करोड़पति है, तुम्हें सलाम आ रही, यहाँ बहुत बढ़िया है, हिसाब किताब बढ़िया है। तो हर जो जब हमारा शहर का रहने वाला देहात में जाना नहीं चाहता, देहात का आने वाला शहर में आए सारी सहूलतों के बाद, तो हम दुनिया में दिल लगाने के बाद आखिरत याद नहीं रहती। अब चलो यहीं जितना लंबा खींच जाए और हो जाए और हो जाए, नहीं ज्यादा नहीं। परवरदिगार हमें कोई तमन्ना नहीं है, जिस दिन तू चाहे बुला ले, क्या जरूरत है क्या। बहुत सी चीजें हैं, जाहिर सी बात एक मजलिस में पढ़ नहीं पाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। अब अंदाज जनाबे इब्राहिम के पास मालकुल मौत है, रवायत मौजूद है, पढ़ लेना जाके। अल्लाह का नबी बेटा खलील खुदा है, बहुत बड़ी बात है, तमाशा नहीं है ये। और जो इतने मनसब मिले हैं, इतने सख्त इम्तिहान दिए, अच्छे अच्छों के हवा भागता हो जाते, ये मिंबर पर से पढ़ देना हमें याद, हम दोहरा देते, हमारा क्या जाए, खाली पसीना निकले बाकी कुछ नहीं होगा, सलावात दे दिया। समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है भैया, इतने इम्तिहान देना, ये तो हमने पढ़ दिया, आपने फेंक दिया, गए अल्लाह ने गुरदार बना दिया, आपने तो खाली कह दिया, ये तो उससे पूछो जिसको फेंका गया, वो बताएगा इंजीनियर में जनाब यू फेंका जाए उसके बाद हवा में मोहल्ला को, ऐसा ईमान भी तो लेके आइए, यहाँ तो धुलमुल यकीनी है, यहाँ खाली मुलम्मा चढ़ा हुआ है, मोमिन है, सलावात भेजिए बाबा, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, दम भी नहीं है, अगर ऐसा इम्तिहान हो जाएगा हट फेल हो जाएगा। यूं लटके हुए हैं, जिब्रील आए, भैया कोई आजाद कहा है, गबयान करोगा तुमसे नहीं जिसने इम्तिहान लिया, बात खत्म हो गई नहीं। अल्लाह ने कहा वाह भाई इब्राहिम इतना पुख्ता, तो देखो मेरा खेल, ए नमरूद आग में फेंको तुम, गुलजार बनाए हम, ये हमारा खेल। अब बचा लिया, खाली यूं नहीं बचाई, अन्ना रुकूनी बर्दन, खाली ठंडा नहीं कहा सलामान, अगर वहां देगा ठंडक की वजह से दांत बचे जा रहे हैं, ऐसा ना ठंडक में इंतकाल हो जाए, सलावात भेजिए बाबा, ये है अल्लाह है। इतने इम्तिहान के बाद खलील खुदा है वो, अब आए भाई कैसे आए, तो सरकार कब्ज रूह के आए, कब्ज रूह मेरी, कहा सरकार भेजा तो अभी क्या, क्या कहीं ये भी होता है कोई दोस्त अपने दोस्त को मौत भी देता है। ये फौरन बेचारे उसने कहा परवरदिगार ये तो कह रहे हैं क्या कोई दोस्त दोस्त को मौत देता है। अल्लाह ने कहा हाँ तो माकूल है, उनसे कह दो दोस्त बुलाता क्या दोस्त इनकार भी कर देता है। लिखाए इलाही बगैर मौत के अल्लाह से मुलाकात हो नहीं सकती, जब तक तुम लिबास हयात उतारोगे नहीं अल्लाह की बारगाह में पहुंचोगे नहीं। जनाबे मूसा ने क्या कहा था कि परवरदिगार आलम क्या अच्छा होता, क्या बीमारी होती, सेहत होती बीमारी न होती, जिंदगी होती मौत ना होती। कहा मूसा कैसी बातें कर रहे, अगर बीमारी ना होती तो हमें याद भी कौन करता। भैया ये मेरे नौजवान था, ये आय अम्मा दो ही बातें, तीसरा कोई कहता हमें बता देना, हमारी नॉलेज की कमी है, दो ही बातें, या तो अल्लाह कहता है या अम्मा कहता है, तीसरा कोई कहता उधर नाम बताना। इधर आय अल्लाह, देखा जिस खुदा को कभी नहीं याद किया, अल्लाह कह रहा है कि अगर बीमारी ना होती तो मेरा बंदा याद क्या करता, और कहा कि परवरदिगार अगर जिंदगी होती मौत ना होती तो अल्लाह ने कहा फिर मुझसे मुलाकात कैसे होती। तो मौत का आना, अब सवाल ये पैदा होता है कि मौत पसंद कैसे करता है, ये भी बात है।
भाई हमारे सामने जो हमें याद है अपने खानदान के लोग सब हमें जो याद है, दादा का इंतकाल हो गया, सारे चचा मर गए, वालिद मर गए, सारी चचियां मर गई, सब मर गए, जब अपना नंबर आया मस्जिद वालों ने कहा आजकल आवाज नहीं आ रही, वाली पहली सब से आगे बढ़ी है, मैं छह सब पे तो यही पढ़ा देते थे, छह सब आवाज आराम पहुंच जाएगी। कहा बहुत जबरदस्त, क्या किसी ने चुप्पे से कहा बहुत बीमार, मौलाना बीमार है, और डॉक्टर ने मुंह पे कह दिया, हमें ये खूब लोग कहते मुंह पे कह दिया तो क्या डॉक्टर आके मस्जिद के माइक से कहता भाई उसके पास हम सामने बैठे तो उसने कहा मौलाना साहब ये बीमारी है तैयारी कर लीजिए, अब आदमी घबराया हुआ है बहुत है, इसके मतलब भैया पूरे मजमे से हाथ जोड़ के बहुत ही माफ गया, इसके मतलब गड़बड़ सड़बड़ बहुत है, हाँ जिसका हिसाब अच्छा होता है उसको जनाब ऑडिट में कोई डर नहीं होता है, सलावत है WT में पकड़ो मुसीबत हुई बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसे जितना टाले वो तो कहिए जुगाड़ नहीं है वहां, हाँ ये हिंदुस्तान है या 27 पार्टी लगा के आदमी हुकूमत चला लेता, ऐसा जुगाड़ है वहां, जुगाड़ नहीं है, और अगर ये जानता कि फाइल ऊपर नीचे हो सकती तो करा तो ये लेता चाहे कुछ भी खर्च कर देता, हाँ हमें जब जमीन छोड़ के चांद पे जा रहा है सलामत भेजिया करा तो लेता, ये मैं बता रहा हूँ हाँ माओ का हिसाब किताब समझाओ पानी कोई है भी नहीं हिसाब किताब, ए फाइल नीचे दब जाए बिल्कुल मौत ना आए उस गली से उस गली में चले जाए ना ना वहाँ, अच्छा जहाँ पर जुगाड़ है अब देख रहे हो कब्रिस्तानों में जुगाड़ है, हयाती हयाती खरीदे ले रहे, हमने भैया एक दिन कहा ताल कटोरे हम कहाँ दफन होंगे, यहाँ तो जगह ही नहीं, सलावत भेजिए बाबा यहाँ जुगाड़ है 5 गुनी और 6 गुनी कितनी रकमें भरे दर हम होता बल्लियान को हम भरे ले रहे वो, हाँ यह बड़ा पत्थर लगा हयाती 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 के मकसद क्या थे, हयाती के मकसद खाली पत्थर लगाना नहीं थे, हयाती का मकसद ये था रोजाना अपनी कब्र को जाके देखते ताकि एहसास होता हम आप कुछ भी करोगे तो पे इसी में जाओगे, सलावत भेजिए बाबा ये नहीं देखता हिसाब नहीं है, हाँ अगर आदमी का हिसाब होता तो मलकुल मौत को तो इधर रहता भाई भैया कल आना मेरी बिटिया की शादी है सलामत दे दिया बाबा, हिसाब किताब नहीं है इंसान के पास, घबराया हुआ है इंसान, हमारे दामन जिंदगी पे इतने धब्बे हैं कि जब याद आ जाता ओफो बहुत सख्त मरला है साहब, अल्लाह किसी का रिश्तेदार नहीं, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, ओफो जब रसूल के बारे में लिखा हुआ तारीख तबरी में ए मलकुल मौत क्या इतनी तकलीफ मेरी उम्मत हो रहा है, उसने कहा मैं कहां आपको तकलीफ दे सकता हूं अल्लाह के नबी मेरी तो औकात भी नहीं है, मुझे तकलीफ दे दो मेरी उम्मत को तकलीफ ना दे, जनाबे मरियम ने क्या कहा अल्लाह, जनाबे मरियम की जब मौत वाक़ हुई जनाबे मरियम उस दिन रोजे से थी बाकायदा, जनाबे ईसा खाली इफ्तार का सामान लेने गए थे लौट के आ गया देखा मां सजदे खालिक में सर झुकाए आवाज दी अम्मा कोई जवाब नहीं, फिर आवाज दी अम्मा कोई जवाब नहीं, अब जो बाजू हिलाया तो अम्मा हला गिर गई आंखों में आंसू आ गए भाई इसको इनका तो कोई है ही नहीं बड़ी परेशानी, उसके बाद लोगों को मालूम हुआ लोगा तदफीन हुई सब कुछ हुआ, उसके बाद दूसरे दिन खबर के लिए पहुंचे अल्लाह, ये बताते भैया कहानियां नहीं पढ़ते मजलिस में हमें आते सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, आपको भी जंगों में अशमानी अशरे अशरा बड़ा अचरा 10-10 मजलिसें मौजू सब पढ़ लेता जंगों में पढ़ा, जब हमें जंगों का अशरा दिया गया था एक शायर इंतकाल हो गया अलमगरी ने कहा बया जो बानी उसने कहा क्या तुमने दे दिया मैं पढ़ पाएंगे वो अशरा, उसने कहा वक्त आने दिए फिर बताएंगे कैसे पढ़ेंगे वो,
वैसा नहीं, ये ना समझना, क्योंकि जो आदमी सूखे चने चबवा लेता हलवा तो यूं निकलवा देगा, सलावा दे दिया बाबा, वो हमारे लिए आसान है, उसमें कुछ नहीं लगेगा। अब अंदाजा कीजिएगा जनाबे हिसाब बिचारे का, अम्मा ए अम्मा क्या आप दुनिया में आना गवारा कहेंगे? दुनिया का क्या जवाब आया खबर से, कहा बेटा पहली मौत की तकलीफ नहीं भूली। मासूमा है, मासूमा जिसकी इस्मत का गवाह कुरान है, कहा बेटा पहली मौत की तकलीफ नहीं, और अगर अल्लाह मौका दे तो सिर्फ दो चीजों की आऊंगा, एक यहां आने के बाद जाड़े की नमाज सुबह बहुत काम आई, और गर्मियों के रोजे पढ़ा करो नमाज सुबह। तुमसे ही मैं नहीं कह रहा हूं, बैठे हमारे मालिक साहब बैठे हैं, दो तीन लोग हैं, पाबंदी से जमात पढ़ाता हूं मैं, जाड़ा गर्मी बरसात ऐसे तो किस दिन, और जिस दिन नहीं भी जानता हूं ये भी मैं बता दूं, मैं जानकर के नियम का बहुत से लोग है कोई पढ़ाई देख दिन तीस दिन हम ही पढ़ा दिए नमाज ये, और उसके बाद मतलब जनाबी एक बड़ी अजीब बात है, अम्मा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था आपके अलावा, कोई ना भाई ना बहन कोई नहीं, अब आपसे भी दामन छूट गया, आवाज आई कब्र से, ए बेटा दिल में दुनिया के लोगों की मोहब्बत ना रखना, सारी मोहब्बत खत्म है, खुदा की मोहब्बत बरकरार रहेगी, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की। यह मरने वाला मौत, अल्लाह ने हमारे लिए कोई बुरी चीज नहीं रखी, बड़े नेक सिफत थे, उनके मोहल्ले वालों ने बताया, उनके पड़ोसी ने बताया, बहुत बड़ी बात है, बहुत भाई, उनके भाई आज जो रो रहे हैं वो इसीलिए रो रहे हैं कि ऐसा भाई नसीब ना होगा, बेशक बेशक बेशक। लोगों ने तारीफ की, मैं तो नहीं जानता ना, मैं जानता हूं तो करार साहब को बिल्कुल जानता था, शायर थे वो, उनके नौवे मैंने हसन अब्बास को जानता हूं, उनको पढ़ते हुए देखा, बाकी मैं नहीं जानता, लेकिन सबने कहा मौलाना साहब आदमी बड़ा शरीफ था, यही तो करेक्टर है कि मुंह पे तारीफ नहीं की जाए पस पर्दा। 25 नवंबर को उनका गालिबन इंतकाल हुआ, आज 26 दिसंबर, तब ने कहा मौलाना आदमी बड़ा शायद, कह रहे हमको नहीं याद शायद कभी उन्होंने किसी को कुछ कहा, इतना शरीफ क्योंकि पैसे दिए किसी कोई बात दे रहे हैं, इसीलिए मौला ने फरमाया कि जब तक जिंदा रहो लोग तुमसे मिलने की ख्वाहिश करें, और जब मर जाओ तो तुम्हारे ऊपर आंसू बहाते हुए नजर आए। मियां ये जिंदगी तुम्हारे हाथ में, जैसे चाहोगे वैसे गुजार, करेक्टर बना के रखोगे दुनिया याद करेगी। ये समझ लेना, लोग कहते बड़ा नाकदरा दौर, बेशक नाकदरा दौर हम भी जानते हैं, लेकिन इतना भी नाकदरा नहीं है कि लोग तुम्हारे एहसान को भूल जाए, करके देखो, करोगे तो नाम कैसे नहीं पाओगे, करोगे कुछ नहीं, बातें बनाओगे तुम्हारा नाम हो जाए नहीं, लाख जाए लाख दुश्मन हो जाए जमाना, दुश्मनी एक तरफ है अच्छाई एक तरफ है, इसलिए अमल को बेहतर बनाओ, मौत आएगी जरूर, ज्यादा ख्वाहिशों को बढ़ाओ नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है कुछ नहीं, लोग इसी में उलझे रहते हैं कि ये कैसे हो गया, उनके कहते हो गए, अमर जो हमारे मुकद्दर में अल्लाह हमें दे रहा, बेशक जो तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह तुम्हें दे रहा है, झगड़ा किस बात का, इस पर नाराज नहीं होना चाहिए, और ना इस पे कि भाई हम तो भाई इस बात के नहीं, हमारी जिंदगी बिल्कुल आए नहीं, कितना जाके मेरे भाइयों से पूछो कि मैं किस मेल का आदमी, इस बात के भाई ने निकाल दिया, कोई बात नहीं निकाल दिया, अच्छा किया, शऊर तो दे दिया, हमें खुद बनाना है, जिंदगी भर क्या माँ बाप की बातों पे और अजीजों रिश्तेदारों से नाराज है, चार दिन की जिंदगी है फिर अंधेरी रात है, मर के चले जाओगे कोई पूछने नहीं, अगर तुम्हारा अमल अच्छा है तो तुम्हारे अमाल गवाही देंगे, और वो लोग तुम्हारे अमल की गवाही देंगे, साथ तुमने अच्छा है किए, इसलिए कोशिश ये करो ज्यादा दलदल में फंसने की कोशिश, दुनिया बहुत धोखे वाली है, अगर ये अच्छी जगह होती तो अली जैसा स्कॉलर तीन तलाक में ना देता, या दुनिया गुर्री गैरी, ए दुनिया अली के गैर को धोखा दे, शहादत का वक्त असबक बिन नुबाता इमाम के पैतियाने सर पे अपना सर पैरों पे रखे हुए इमाम के कदमों में आंखों में आंसू बहुत जारी थे, एक मर्तबा मौलाना का असबक तुम रो रहे हो, बिल्कुल का असबक नहीं,
रोना क्या की बात है, ये तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा मौला हाजिर होने जा रहा है, दुनिया के तमाम मुसीबतों से छुटकारा पाने जा रहा है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। कहा मौला हम आपके लिए नहीं, हम अपने लिए रो रहे, इतना अच्छा इमाम खोए दे रहे। किरदार है ओ सुकून की जिंदगी। अल्लाह हमारा भाव बहुत ही माजरत के साथ, बड़ी मुसीबत हो जाती पढ़ने वाली बात होती कि यहाँ चट टके आ गए, हम टके कहीं हम दौलत नहीं कहीं टके आ गए तो अपनी औकात ही भूल जाते, हाथ इतना भारी हो जाता कि सलाम के लिए मालूम वाला प्लास्टर चढ़ा हुआ है 6.5 हफ्ते का। एक छोटा सा मनसब मिल गया, ओहदा मिल गया, दीवाने हुए जा रहे हैं, इधर भाई को भगाए दे रहे हैं, उधर बहन के ताल्लुकात महल्ले वालों से ऐठे ऐठो नहीं है। याद रखना अगर वो बेड़ी करके लाठी मारेगा तो तुम्हें हिम्मत भी नहीं बर्दाश्त कर लेगा। बड़े बड़ों के तंबू उसने यूं खुलवा दिए, पूरी दुनिया पे हुकूमत करता था नमरू, तमाशा ना समझिएगा, यूं ही उड़ा दिया। फिरौन खुदा बना बैठा था, ज्यादा जहमत नहीं थी, यूं ही 2 डुबकियां दी, मिस्री था मिस्री की तरह घुल के रह गया। शद्दाद जन्नत बना के चला गया। बहुत से लोग गुजरे, मैं क्या कहां का नाम लूंगा, इसे दुनिया नई दुनिया में दो। हमारे 40 साल हुकूमत करना मामूली बात है। कर्नल मोहम्मद कज़ाफी लीबिया, हुकूमत बड़ी लाजवाब थी, जो लोग गए लीबिया उनसे पूछिएगा, जबरदस्त सुकून था, लेकिन नहीं, जब वक्त बिगड़ गया खेल बिगड़ गया, अमामों से फांसी दिला देने वाला खुद लटक गया, पब्लिक ने चेक नहीं की, वक्त बिगड़ जाता है यार। जब तक इसीलिए घबरा ना जाना कि क्या होगा और कल ना, जब तक उसकी नजर रहमत है तब तक खेल चल रहा है, और जिस दिन उसने बिगाड़ दिया तो यूं मारेगा सुपड़े की तरह गायब हो जाएगा, नाम लेने वाला कोई ना हो जाएगा। इसलिए जहां तक हो अच्छा करना कभी किसी के लिए, और ये याद रखना हुकूमत कुफ्र से चलाई जा सकती है लेकिन जुल्म से नहीं चलाई जा सकती, जुल्म कभी ना, जुल्म कभी किसी पे ना कर, बर्दाश्त कर लेना, जुल्म करना नहीं। अल्लाह से कहना परवरदिगार ना मेरे पास बाह बल है ना दर बल है ना कस बल है, कुछ नहीं है, तू इंतकाम लेने वाला। अज़ीज़ाने गिरामी बरादराने ईमानी, ये तो हमारे वो बेचारे दायर की बात है, मरने वाले का हाल मरने वाला बताएगा, कब्र का हाल मुर्दा बताएगा, तलकीन पढ़ने वाला नहीं। बहुत बेचैन होता तुम्हें क्या मालूम, बहुत मायूसी होती, अकेला होता। वो तो कहो इतनी अच्छी मिल्लत में पैदा हो जहां तुम्हारा सहारा बना हुआ है, बेशक बेशक इधर हमारे लिए क्या कहते आलम एहतदार बाब इफ्तियाल से जनाब मसदर है, आलम एहतदार मसदर क्या मतलब है, हुजूर मौत, हुजूर मलकुल मौत, हुजूर मोहम्मद और आले मोहम्मद, इसलिए एहतदार कहा जाता है। आ जा इधर मलकुल मौत और इधर अहले बैत पंजे तने पाक की रवायत, बल्कि मैंने और रवायत पढ़ी और चारों तरफ से उसका पलंग घेर लिया। मलकों लो आगे बढ़ा, क्या कहते कहते घबराना नहीं, इधर आहिस्ता आहिस्ता रुख कब्ज करना हमारा चाहने वाला। इसीलिए मैं अक्सर मजलिसों में पढ़ा करता हूं कि दुनिया से ताल्लुकात खराब कर लेना, अहले बैत से कभी ताल्लुकात खराब, ये जहां पर कोई काम ना आएगा वहां पे अहले बैत काम आएगा, घर वाले तुम्हारा साथ छोड़ तड़प जाते। ये कौन, ये तुम्हारा वो रसूल है जिसका जिंदगी भर कलमा पड़ा, ये कहा वो खैबर कुशा है जिसको अपना मौला हैदर हैदर है, ये मुआजमा ये तुम्हारी शहजादी है, ये आजा ने ये कौन, ये तुम्हारा हुसैन जिसका मातम किया है। आपने देखा होगा बसाओकात में जो लोग दुनिया उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो ये इसी बात की अलामत बार उलमा ने लिखा कि जब हुसैन की जियारत करते तो किताब हो गई, जहां को नहीं कमा रहा तय करा दिया। हो सकता
आए कि बहुत ही नर्म नाजुक इतिहास गुल गुस्ल देना, क्योंकि पानी ऐसा पड़ता है जैसे बदन पे पत्थर बरस रहे, इतनी तकलीफ होती है। उसके बाद ही ले चलो जनाजा, एक मंदिर, दूसरी मंदिर, तीसरी मंदिर, एक मंदिर मंजिल इसलिए दी जाती है ताकि वो अपने आने वाले बिल्कुल आखिरी घर से आशना हो जाए कि भैया जब इसके बाद ये, उसके बाद ये तुम्हारा आखिरी घर है। अगर आपको आजमाना हो मैं आपकी खिदमत में, तो खबर में ले दिए, फिर देखिए कि आसमान कितना ऊंचा नजर आता है, बहुत गहरी खबर नजर आती है। ये वही बताएगा जो कट चुका है, तड़प जाता है। अल्लाह, आपने नमाज जनाजा पढ़ी, क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका, परवरदिगार ये तेरा बंदा है, बबनु अब्दे का, तेरे बंदे का बंदा है, बेटा है, उसके बाद बबनु अमत का, तेरी कनीज का। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा, परवरदिगार जो जनाजा सामने रखा है इसमें सिवाय अच्छा है कि मैं कुछ और भी जाए, मरने वाले मरहूम असरार हुसैन साहब इब्ने भाई के बेटों के बच्चों के कहूंगा, आपने बहुत अच्छा इत्तेमाम किया, बहुत मजमा है, उनका अखलाक कुनबा भी बड़ा, मोहल्ले वाले अभी सब आ गए, उनका बेहतरीन इंतजाम किया है, अच्छा। लेकिन ये भी याद रखो कि 40वें के बाद भूल ना, अरवाहे मोमिनीन मोमिनात, हर महीने की 9 चंदी शबे जुमा, रवायत है कि साहिल बन के तुम्हारे मरहूम माँ बाप तुम्हारे दरवाजे पे खड़े, बेटा ये सूरह फातिहा दे दो, चला नहीं जा रहा, इतनी ठोकरे खा। और रमजान के चारों जुमे में, चारों जितने 5 पड़ जाए, सारे शबे जुमा में तुम्हारे मरवी तुम्हारे दरवाजे पे गड़त भैया, ये सूरह फातिहा दे दो। अम्मा कहती बेटा 9 महीने पेट में रखा, 2 साल दूध, क्योंकि मैंने दूध पिला बेटा, बहुत परेशान आ तो सब खाना खा के दावत प्रदेश से लोग आने का भी हक सभी का चले जाएंगे, तुमको याद रखना, क्योंकि इंसान ला वलद मर जाए कोई अफसोस नहीं, जब औलाद ही नहीं तो क्या, लेकिन जिसकी औलाद होती है वो अपनी औलाद से तवक्को जरूर रखता है, मेरा बेटा क्योंकि मैं पढ़ाता, मुझे पढ़ाते पढ़ाते जमाना हो गया, जो भी आ मैंने कह दिया ले जाओ, पढ़ता बढ़ता नहीं, बाप क्या कहता है, हाथ फिर पकड़, हमने भाई क्यों ले आए, कहा मौलाना साहब इसको कुरान पढ़ा दो ताकि ये कम से कम 12 तो पढ़ देगा। ये है जिंदगी, ये कि क्या आए हो क्या लेके जाओ, सब छोड़ दे, अरमानों से मकान बनाया हो मकान की एक ईंट नहीं ले जाओ, तब यही छोड़, दुनिया कहती है क्या छोड़ के गया, फरिश्ते पूछते हैं क्या लेके आया, क्या क्या अमल के तेरे पास दखल, जामिया कदर मोमिन आदमी ने मजलिस हमारी जिम्मेदारी है, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा, मरने के बाद रोना ही रोना होगा, हम होंगे कब्र का कोना, इतनी खबरें इस मोहल्ले में बनी हुई है, सिर्फ इसका मकबरा बदनामी ही इसका है, तो जाहिर नहीं बात कितने लोग दफन होंगे, जो आप पैरों से रोन देते हो आवाजें देती होंगी, अल्लाह जमीन आवाज देती हमें रौंद रहे हो, एक दिन तुम हमारे ही अंदर आओगे, नहीं आप हमारी जिम्मेदारी है, और ये बात फरमाइए औलाद का बहुत काम आता है, वालिदैन बहुत काम आता है, बेटा करे या बेटी करे कुछ भी करे, अगर अमल किया है तो उनके काम आने, रिसालत मां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाली नाम वाले दीनदार, बाकायदा ढाल लो अपने
दुनिया वाले कभी तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान, हम जानते हैं, हमें पता है, लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हो दीनदार। फिर इस दौर में बड़ी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, ये दौर हुआ कि झूठे को लोग अच्छा कहते, सच्चे का मुकाबला। ये सब रसूल कह गए, हमें कोई ताजुब नहीं होता इस दौर के लिए। लोग कहते हैं, हम कहा नबिया तुम ये कह रहे हो मजहब बदल लो, हमारा एक दौर हुआ है कोई दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा। ऐसी बातें करते थे, अल्लाह किसको दिखाएगा ये वक्त है, इतना जुल्म जोर बढ़ेगा। कोई ताजुब की बात हमारे आइम्मा बता रहे, वो बिचारी बच्ची अपने शौहर के घर में, शौहर कहीं चला गया है बाहर काम से गया, कारोबार से गया, और उसने उसके बाप की तबीयत खराब हुई, उन्हें अल्लाह के रसूल को मसला दिया, फरमाया कि अल्लाह के नबी मेरा बाप बीमार है और मैं चाहती हूँ इयादत के लिए चली जाऊँ। रसूल ने पूछा कि तूने अपने शौहर के पसपर्दा बाहर जाने की इजाजत दी थी, तो रसूल ने कहा फिर उनका तबीयत बहुत खराब, आप क्या कह रहे हैं घर में बैठो। आखिर में इत्तला आई कि इंतकाल हो गया, अब जनाजे जाने घर पे बैठो। रसूल करता रहा, वो एक बात करती रही, उसके बाद शाम को जब जनाजा दफन हो गया, जिब्रील आए और कहा ए अल्लाह के नबी उस बेटी को जो नाम जब मुजदा सुना दीजिए, बेचारा ने अमल उसका अच्छा है, बाप उसका बाटा गया। बेहतरीन हमारी बीमारी में नमाजें करा हूं, पढ़वा जरूर दे, इसलिए ना देखना कि लोग 5,000 ले रहे 10,000 ले, रोगे तीरथ पाए रोगे रखवा जरूर देना। अगर वो मुस्तकी थे, उनके हज वाजिब था, और हिम्मत हो गई हज में बहुत ज्यादा, जो इसीलिए छठे इमाम जाकर सादिक ने फरमाया जितनी जल्दी हो जाए हज कर लेना, इमाम ने फरमाया हदीस है, क्योंकि जमाना बदलेगा। देखिए जमाना बदल गया, हम समझते थे हमारे बात बदले, हमने अपनी आंखों से देख लिया, कहा जितनी जल्दी हो हज कर लेना कि एक मुनासिब इबादत तुमसे छूट गया। अगर मुस्तती थे उनके पास एक वक्त में उतनी रकम थी, उनका हज करवा दे। यदि यतीम को कपड़ा पहनवा देना, यदि यतीम के सर पे हाथ रख देना, क्योंकि ये सब काम चीजें उनके बहुत काम, और अगर भूल गए तो तुमसे शिकवा करो। वाह दायमा था कि तमाम हो रही मेरे अभीजों के तमाम ही बरादरान थे, उनके तमाम रिश्तेदारों से, मैं कहूं इतना बड़ा मजमा अल्लाह। घर की खवातीन को जब बताया जाएगा मजमा बहुत था, लोग बहुत दूर दूर से आए थे, इत्मीनान हो जाएगा कि ये हम हमारा नहीं, लेकिन हाय सैयद सज्जाद भैया अभी तुमने इसी जमादी लवल की 15 तारीख को विलादत मनाई, 38 हिजरी की विलादत है, 38 दो 40 20 60 22 साल कुछ महीने की उम्र हुई करबला के मैदान। सोचो हर आदमी ये चाहता कि मेरे बाप का 40वां अच्छा हो, मेरे बाप के फातिया अच्छा, वो बेटा क्या करे जिसके हाथों में हथकड़ी। और जब बाप मिलने के लिए आया, अल्लाह चाहते ही है कि मैं कुछ नहीं तो कोनियों के जरिए उठ नहीं पाए, जनाब ज़ैनब ने सारा दिया, पुपी पीछे पहली जैसे ही आंखें खोली तो बाप को पहचान नहीं पाए, पहली नजर में पहचान, बाबा आप कहां बेटा मैं, क्या बाबा ये क्या हो गया, क्या बेटा सुबह से लाशें उठा रहा हूं। जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसका बूढ़ा 57 बरस का बाप लाशें उठा। एक मर्तबा जनाब इज़्ज़तुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते कि बाबा जान चचा बाद कद कोतेला, बेटा कत्ल कर दिए गए, मेरे लाल तुम्हारे चचा के बाजू भी काट। कहा मेरा भाई अली अकबर, कहा बेटा क्या पूछोगे, सीने से बर्ची का फल मैंने निकाला, कहा मोहम्मद का बहुत देर हुई। आखिर में इमाम ने फरमाया का बेटा इतना सुन लो बस इतना आखिर में के मर्दों में मैं बाप भी हूं या तुम हो, अभी अभी अली अकबर को भी सुपुर्दे लह दिया। और रवायत कहती जैसे ये कहा इमाम का बदन कांपने लगा,
कहा बाबा अली अजहर भी मार दिया गया। कहा बेटा अली अजहर भी मार दिया गया। अली अजहर भी मार दिया। वो भी अम्मा जरा मेरी तलवार लाइए, मेरा असा लाइए। इमाम ने एक मरतबा कहा बेटा ये तलवार और असा क्या होगा। कहा बाबा जान बदन में जोफ और नकाहत बहुत, असा से सहारा करो, मैं तलवार से नुसरत करूंगा। इमाम ने कलेजे से लगा लिया। कहा बेटा तुम्हारी जंग करबला में नहीं है। कहा फिर मेरी जंग आए। कहा तुम्हारी जंग जो है बाजार को पहुंचा, लोगों को मेरी मजलूमियत के बारे में, रसूल का नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। जजाको रब लोगों खैर। मैं मरहूम के फर्जंदगान बहुत मुतासिर मैंने देखा, मैं तो उस वक्त मौजूद, उन्होंने अशार पढ़े तो बहुत रो रहे थे, अपने बाप का हक नहीं अदा कर पा। मियाँ तुम रोने वाले, इतना बड़ा मजमा का ले दे तो लगा, लेकिन हाय चौथे माँ ए बाबा हाथों में हथकड़ियाँ पैरों में बेड़िया गले में खारदार था। बाबा मैं बहुत शर्मिंदा, उनके घर की खवातीन से उनके तमाम आयशा से मैं अर्ज करूंगा, घर बहुत करीब है, आवाज भी कुछ साफ जा रही, अरे आप रो भी ली, आप आंसू भी बह लिए, सब कुछ हुआ तशफी देने वाले, लेकिन हाय रब कोई पूछने वाला। अल्लाह मरला तय हो गया, मेरे अजीज मरने वाला इस दुनिया से चला गया। अब आखिरी मरहले में आपकी ज़हमत इसीलिए हमारे के कुछ भी हो जाए, हम अपने मरने वाले का ईसाल मजलिस के जरिए से जरूर करते हैं। कुछ हो या ना हो मजलिस जरूर करते हैं। मजलिस क्यों करते हैं? अल्लाह अकबर। बस आखिरी मरहले में आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। मजलिस क्या बात है, करबला के बाद जनाब ज़ैनब रोई ना होंगी? बिल्कुल रोई होंगी, बहुत रोई होगी, लेकिन क्या कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद यदि से कह दो हमने अपने भाई का मातम नहीं किया। क्या मतलब है? ज़ैनब चाहती है कि लोग आए, मजमा हो, जिक्र हुसैन किया जाए। ए उसके बाद जब रसूल के रोजे पे आ गई, ए नाना आपकी उम्मत ने बड़ा ज़ुल्म किया, दयार बा दयार फिर आया, हमें फंसे गर्दन हमारे हाथ पर दे हुए थे। कभी करबला سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إلهي بحق ذهب بها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها بربردگار اس ذکر عظیم کو قبول فرما تمامی حاضرین مجلس لکھ بننا کو پورا کر اس مسجد کے فضائل و مصاحب کا ثواب جناب مرحوم اسرار حسین ابن ابن صاحب کو پہنچے پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما معبود ہم گناہ گار انسان ہیں ہمارے والدین کے گناہوں کو پروردگار تو ہماری قلیل عبادت سے راضی ہو جا پروردگار اس شہر میں اس ملک میں اس صوبے میں امن و امان عطا فرما پروردگار یہ مہاماریاں یہ بیماریاں دوبارہ آنے کی کوئی خریدی مٹا دے روزی و کاروبار میں برکت عنایت فرما عزت اور آبرو کی زندگی عطا فرما پروردگار بانیان ملی دلی تمنا کو پورا فرما بار الہ قبلہ اول کی عبادت گزاری جنت الفردوس کی تاکید کو ہم لوگوں کو حج و زیارت کا سوال پروردگار یہ دعا ہے یہ ہماری دوبارہ ضرور زحمت ہوگی ایک سورہ فاتحہ 3 قل ہو اللہ جناب اسرار حسین ابن کر رہا ہے